नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पिहोवा के नेशनल हाईवे 152 डी पर गांव सांसा के पास राज्य मंत्री सुभाष सुधा के काफिले में शामिल एक एस्कॉर्ट गाड़ी पलट गई। इस गाड़ी में 4 पुलिस कमांडो सवार थे। इस हादसे में एक कमांडो की बाजू टूट गई, जबकि अन्य 3 को मामूली चोटें आई हैं। घायल कमांडो को पिहोवा के सरकारी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने हादसे में जख्मी पुलिस कमांडो से मुलाकात की और जख्मी संजीव कुमार से उनका हालचाल पूछा। सूचना पाकर पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुभाष सुधा ने गाड़ी में सवार अन्य कर्मियों से हादसे की जानकारी भी प्राप्त की। फिलहाल संजीव कुमार का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पिहोवा से हमारे संवाददाता विनायक दत्त शर्मा की रिपोर्ट। क्या करने के लिए चलाऊंगा? देखिए, आज चंडीगढ़ से मैं सुबह वहाँ जा रहा था, हमके अपना मिंदरगढ़ हमारे आदरणीय अमित शाह जी मुझसे वहाँ आ रहे थे, उसके लिए एक मीटिंग थी, पार्टी की मीटिंग के लिए जा रहा था। रस्ते में पिहोवा से लगभग 7 किलोमीटर आगे जाके 152 डी पे तो क्या हुआ कि हमारी जो गाड़ी थी, पायलट की गाड़ी थी, वो सॉरी एस्कॉर्ट की जो गाड़ी थी, एस्कॉर्ट की गाड़ी में जो रंग गया उसका जो टायर का है, टायर ब्लास्ट हो गया और साथ में एक्सल टूट गया, उससे अनबैलेंस हो गया और उससे गाड़ी में उल्टी गाड़ी, उससे कुछ बुलाया हमारे जो लड़ाई थे उनको चोट लगी है, उनको मैं वहाँ से लेके सीधा आ जाऊँगा हॉस्पिटल में। आप बाकी सब ठीक है और वैसे सारे एम्प्लॉइज भी ठीक है, बाकी उनको अफसर भी चेक करें, वो ठीक ठाक सब ठीक है। ये एक्चुअली एक्सीडेंट केस आया हमारे पास अभी कुछ देर पहले, 152 डी पे एक्सीडेंट हुआ, कमांडो है और इनका जो है लेफ्ट हैंड इंजर्ड हुआ है। तो यहाँ पेवा हॉस्पिटल में इनका पूरा प्रॉपर तरह से इनका ट्रीटमेंट हुआ है, इंजेक्टेबल्स और आईवी जो जाना था वो दे दिया है, स्प्लिंटिंग कर दी है और उनको रेफर किया गया है LNGP के अंदर ऑर्थोपिनियन के लिए। हमारे यहाँ डॉक्टर अमनदीप थी, उन्होंने इनका जो है प्रॉपर जो है MLI वगैरह काट दी है और प्रॉपर जो रिकॉर्ड के साथ इनको एम्बुलेंस में भेजा गया है। मैम, कितने लोगों को चोट लगी है? सिर्फ एक ही कमेंटो को चोट लगी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।